हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में बहुत अच्छे हों। फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ मटकी पार्ट 3, ये देखिए। और इसको मैं रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको पेस्ट के साथ क्रंच करिए, तो इसको मैं पेस्ट के साथ ही क्रंच करने वाली हूँ आज। ये देखिए मेरा थिक वाला पेस्ट है। ये पेस्ट ना मैंने दोपहर बना लिया था और फिर दोपहर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो इस पेस्ट को मैंने रख दिया था फ्रिज में और इसमें जम गई है बर्फ। इस पेस्ट में जम गई है बर्फ। वाओ, यम्मी यम्मी पेस्ट के साथ। ये देखिए कितना थिक पेस्ट बनाया था मैंने, दोपहर बनाया था ये। इसको इधर से भी सजा लेते हैं। ओह माय गॉड, यम्मी क्रंची टेस्टी, बहुत ही हर्दी लगने वाला है ये, क्योंकि ये पेस्ट है, स्लेट पेंसिल का पेस्ट है ये, और ये रेड खाड़ी का पेस्ट है। मेरे पास रेड खाड़ी रखी हुई थी थोड़ी सी, ये वही पेस्ट है। मैंने वो इसी में मिक्स कर ली रेड खाड़ी जो मेरे पास रखी हुई थी। मेरे पार्सल में आई थी सैंपल था मेरे पास रेड खाड़ी का। चलिए अभी फ़िलहाल करते हैं हम क्रंच। यम्मी यम्मी, आज सबको प्रिपरेशन कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट में। आज तो शायद यम्मी लगी हो, क्योंकि मुझे किसी की कमेंट आई थी कि आपकी प्रिपरेशन यम्मी नहीं होती है, लेकिन आज मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है इसको। अच्छे से देखिए, पूरे अच्छे से कवर कर दिया है, और देखिए क्रम्बल्स भी हैं स्लेट पेंसिल के। अच्छे से कूटा नहीं था मैंने इसको, क्रम्बल्स रखने थे मुझे। यहाँ से थोड़ा सा रह गया, ये देखो हो गया काम। चलिए अभी हम करते हैं क्रंच स्टार्ट।